हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज काफी टाइम बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेकअप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीज आ रही है, तो मैंने सोचा चलो तीज लुक आप लोगों को बताती हूँ और मैं खुद का भी तीज लुक करती हूँ, देखती हूँ मेरा लुक कैसा आता है और इजी स्टेप के साथ बताऊंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा ये मेकअप करना। तो मेकअप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो चलिए करते हैं मेकअप स्टार्ट। से पहले करूंगी मैं फेस को क्लीन। फेस क्लीन कर लिया है मैंने, अब लगाऊंगी मैं मॉइस्चराइजर। लूंगी मैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए यूज कर रही हूँ मैं कंसीलर, इसको करूंगी ब्लेंड। कंसीलर हो चुका है मेरा ब्लेंड। उसके बाद लूंगी मैं ब्राउन कलर का आई शेडो। मैंने क्रीज लाइन सेट कर ली है ब्राउन कलर के आई शेडो से। मैं लूंगी थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो और इसको कर रही हूँ मैं लाइट ब्राउन के साथ ब्लेंड। मैंने ब्राउन कलर के आई शेडो को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। लगाने वाली हूँ ग्रीन कलर का आईज पे पिगमेंट। मैं करूंगी आउटर कॉर्नर को ब्लेंड डार्क ब्राउन कलर से। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। मैं बेस बनाने जा रही हूँ तो मैं लगाऊंगी प्राइमर। मॉइस्चराइजर मैंने पहले ही लगा लिया था। प्राइमर के बाद यूज कर रही हूँ मैं कंसीलर। ये मेरी स्किन से दो टोन डार्कर शेड है, इसको करूंगी ब्लेंड। कंसीलर ब्लेंड हो चुका है, अब यूज करूंगी मैं फाउंडेशन। नेक पे भी लगाएंगे अच्छे से, नहीं तो फेस और नेक दोनों अलग अलग ही लगेगा। फाउंडेशन एप्लीकेशन हो चुकी है, अब इसको करूंगी मैं ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है फाउंडेशन, आप देख सकते हैं। यूज करूंगी मैं अपना टिंट। यूज करूंगी मैं ट्रांसल्यूशन पाउडर। जितना भी ट्रांसल्यूशन एक्स्ट्रा है मैं उसको डस्ट आउट कर लूंगी। करती हूँ अपनी आईब्रोज डिफाइन। अब करूंगी मैं आउटर कॉर्नर को हाईलाइट। अब मैं लगाऊंगी काजल। काजल को करूंगी मैं डार्क ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड। यूज करूंगी मैं हाइलाइटर। लगाऊंगी मैं लिपस्टिक। लगाऊंगी बिंदी। ये मैं अपना हेयर स्टाइल हो चुका है मेरा। मैंने क्रिम्पिंग हल्की हल्की सी कर ली थी बालों में।
बनाने वाली हूँ जूड़ा, क्योंकि जूड़ा ही अच्छा लगता है। वो पनीर में फिर सिर पे पल्ला रखना हो फिर दिक्कत होती है, नेक में जो पहनना है मैं पहन लेती हूँ, वरना जूड़ा बनने के बाद तो थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने पहन लिया है आज ये वाला सेट, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी भी फुल लुक में ही पता लगेगा क्या क्या हुआ है, कैसे लग रही हूँ मैं। मैंने फ्रंट के बालों को ले लिया है, इसको कर रही हूँ मैं हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग, क्योंकि मेरे बाल तो हल्के हैं। अगर आपके बाल हैवी हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो मुझे भी इतनी नहीं पड़ती, बट मैं थोड़ा सा बाउंस के लिए इसमें कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा बाउंस आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। इजी वाला बता रही हूँ कि आप लोग भी कर पाए। पीछे वाले बालों को मैंने पोनी कर रखे हैं। मेरे पास आर्टिफिशियल गजरा, अभी तो मेरे पास आर्टिफिशियल है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं इनको करूँगी ऐसे फोल्ड, मैंने नॉर्मल ही करा है। इयररिंग भी पहन लिया और साड़ी तो मैं आज पहन के ही बैठी थी, बाकी फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक जो कि करा है मैंने बीच के लिए, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं, और मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, गजरा वगैरह आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ, आपको कैसी लग रही हूँ, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का मेरा लुक देख सकते हो, मैंने ज्वेलरी भी पहन लिया, सिंदूर तो मैंने लगा ही लिया था और चूड़ा भी पहन लिया है। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर ले, जिससे कि अभी और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, तो मैं उसके लिए भी बहुत इजी स्टेप के साथ आप लोगों को लिए मेकअप बताऊंगी, और शादी पार्टी है तो उसके लिए भी बीच बीच में मेकअप बताती रहूंगी। तो आप लोग इस चीज पे ये लुक तो ज़रूर करिएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मेरा ये है फुल लुक, साड़ी भी नीचे तक दिखा दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार, जितना ज्यादा प्यार देंगे उतने अच्छे अच्छे मेकअप आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। बाय बाय।